हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख सरकारी नौकरी देने के वायदे से मुकरने से सुक्खू सरकार का असली चेहरा हिमाचल की जनता के सामने आ गया है। कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा चुनावों में गांव-गांव गली-गली जाकर के ये वायदा किया था कि हम सरकारी क्षेत्र में हर साल 1 लाख रोजगार देंगे, लेकिन सरकार अपने वायदे से मुकर गई है, जो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ सरकार का भद्दा मजाक है। आज हिमाचल प्रदेश में उद्योग पलायन कर रहे हैं और सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को रोजगार की कोई भी संभावना नहीं है, जिसके कारण हिमाचल में ये साबित हो गया है कि झूठ की सरकार सत्ता में है और कांग्रेस लोगों को एक बार पुनः गुमराह करने का काम कर रही है।